बड़ी खबर कमलनाथ को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अब कल एक अहम बैठक बुलाई है। मंगलवार का दिन मतलब कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में कांग्रेस के तमाम रणनीतिकार शामिल होंगे। पार्टी ने इस बैठक में विधायकों को भी बुलाया है। विधायकों के साथ 1-on-1 बातचीत इस बैठक में की जाएगी। तो कमलनाथ के करीबी कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ के घर पहुंचे और मुलाकात के बाद क्या कह रहे हैं वो ये सुनिए जरा। विषयों पे जो कल चर्चा रह गई थी उस पे अभी चर्चा है और मैं समझता हूँ कि आधे पौन घंटे में चर्चा तो हो जाएगी और उसके बाद कमलनाथ जी खुद ही आपसे चर्चा करेंगे। नहीं, हम तो कमलनाथ जी से निगोशिएशन चल रहा हमारा था। सज्जन सिंह वर्मा को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि कमलनाथ मीडिया के सामने आएंगे। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी वो कह रहे हैं कमलनाथ को लेकर जितनी बातें की जा रही हैं वो सब सिर्फ भ्रम है, कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे। मैं मानता हूं कि पिछले 4-5 दिन से मैंने कल भी अपना वक्तव्य दिया था, जो ट्रांसपेरेंसी कमलनाथ जी के खिलाफ चल रही है सर्वविदित है। हर अखबार, हर मीडिया, सोशल मीडिया, भारतीय जनता पार्टी में उनको जाने को लेकर जो कुचक्र चला गया था, मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जीतू ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेस ही था, हूँ और रहूँगा। जैसा मैंने कल कहा था कि वो गांधी परिवार के उनके रिश्ते इतने पुराने हैं, हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अपना अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। ये भावना उनकी खुद की है जो मुझसे बात होकर उन्होंने कही। ये कांग्रेस के नेताओं के बयान है जो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सस्पेंस तो देखिए बना हुआ है। कमलनाथ की मिस्ट्री और इसी वजह से कांग्रेस की नींद उड़ी। हम जरा एक एक रिएक्शन लेते हैं यहाँ पर। राकेश शुक्ला जी से शुरुआत करते हैं। राकेश शुक्ला जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी को झटका दे सकते हैं क्या कमलनाथ? कमलनाथ झटका दे सकते हैं, उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है, कमलनाथ जी को अचानक ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, वो उनके लिए ठीक नहीं लगा। दूसरा, कमलनाथ जी चाह रहे थे कि कांग्रेस उनको राज्यसभा में भेजे, क्योंकि हमेशा वो दिल्ली की पॉलिटिक्स की है, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनकी कभी रुचि नहीं रही। उनको भेजा गया प्रदेश अध्यक्ष बना के, फिर वो मुख्यमंत्री भी रहे। उनका पूरा जब भी वो पॉलिटिक्स किए हैं तो छिंदवाड़ा से बाहर नहीं देखे। दूसरा, यदि वो कांग्रेस में आते हैं तो उसका सिर्फ एक कारण है, नकुल नाथ जी का राजनीति सुरक्षित करना, क्योंकि बीजेपी में अगर आते हैं, बीजेपी में आते हैं तो हाँ। क्योंकि छिंदवाड़ा सीट अब उनको लग रहा है कि उनके लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं रही। उसका कारण मैं बताता हूँ। छिंदवाड़ा में 7 सीटें हैं, उसमें 3 आदिवासी सीटें हैं, 2 SC 2 ST, तो वहाँ कांग्रेस का अभी है, लेकिन जब आप वोटा परसेंटेज लोकसभा का देखेंगे हाँ तो 60% पाने वाली कांग्रेस, यानी कमलनाथ जी 60% जीतते थे, फिर 55% से जीते हाँ। 2019 का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में नकुल नाथ जी को सिर्फ 47% मिले, भारतीय जनता पार्टी 44.5% कांग्रेस ने जीत हासिल की। सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली विधानसभा में, क्या कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सुनते हैं। अब हम जनता की समस्याओं का समाधान, इन समस्याओं का समाधान अंदाज किया और जनता की समस्याओं पे खुशी मनाई, इसलिए आज इनका ये हाल है कि कभी 3 सीट आती है इनकी, कभी 8 सीट आती है। अब हम जनता की समस्याओं का समाधान, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक योजना लेके आए, 1-time सेटलमेंट स्कीम। इस योजना में मोटा मोटा ये है भाई, पिछले 2-3 साल 4 साल जब से आपने बिल नहीं दिए, उस दौरान अगर आपकी 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग मिलती है, ऐसी रीडिंग जो आप भी सहमत हो, जल बोर्ड भी सहमत है, 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग है तो उनको मान लिया जाएगा, उसकी एवरेज ले ली जाएगी और उसकी एवरेज से बाकी सारे महीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। भाई आपकी एक रीडिंग आ रही है मान लो 18,000 लीटर, एक रीडिंग है 21,000 लीटर, आप कहते हो ये 2 सही है, तो 21 और 18 39,000 लीटर हो गई। 39 को 2 से डिवाइड किया, 19.5 हो गया, ये आपकी एवरेज रीडिंग। तो जितने महीनों का आपने बिल नहीं दिया उतने महीनों का इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपका बिल जनरेट कर देंगे। तो उस हिसाब से एक तो ये हो गया कि भाई जिस जिस की 2 या 2 से ज्यादा ओके रीडिंग है, ओके रीडिंग को कैलकुलेट।
कई लोग जैसे इन्होंने बताया 2012 से किसी ने बिल ही नहीं दे रखे, मीटर ही नहीं लगा रखा। ऐसे लोग अगर अब मीटर लगाने को तैयार हो जाते हैं तो हम ये देखेंगे उसके आस पड़ोस की उसकी गली में रहने वालों का क्या बिल आया, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी तो सेम कैटेगरी के लोग हैं, ये भी इसका भी लिविंग स्टैंडर्ड वैसा ही है, उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, झुग्गियों में रहने वालों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, रिसेटलमेंट में रहने वालों का एक जैसा है, वसंत विहार में रहने वालों का। तो हम ये देखेंगे कि उस गली के अंदर बाकी लोगों का बिल कैसे आ रहा है। तो नेबरहुड की स्कीम इसके अंदर है, जो गली के लोगों का जिस ट्रेंड पर बिल आ रहा है उसी हिसाब से इसका भी बिल मान लिया जाएगा। इतनी अच्छी स्कीम, इतनी शानदार स्कीम कैसे कहां हो सकती है, इतनी सही स्कीम है। इसमें भी अगर कुछ कमियां तो हम इनके साथ चर्चा करने को तैयार है, बीजेपी वाले आए बैठे हमारे साथ चर्चा करें, कुछ चेंजेस बताएंगे हम चेंजेस कर लेंगे उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए किसी का अब एवरेज आ गया 20,000 लीटर से कम, तो 20,000 लीटर से कम अगर हो गया तो उसके 5-7 साल का सारा बिल माफ हो जाएगा, और अगर किसी का ज्यादा आ गया तो उसका ज्यादा के हिसाब से एलपीएससी और इंटरेस्ट माफ करके और हम बाकी बिल उससे ले लेंगे। हमारा अपना अंदाजा है कि इस हिसाब से लगभग 10.5 लाख में से 90% से ज्यादा लोगों का पानी का बिल जो है वो 20,000 लीटर से कम आएगा और उनका सारा पुराना बिल माफ हो जाएगा, बिना एक भी पैसा दिए उनके दफ्तरों के चक्कर बंद हो जाएंगे और वो अपना सुख शांति से जीना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ जल बोर्ड दुखी हो रहा है क्योंकि जल बोर्ड के 10.5 लाख कंज्यूमर बिल नहीं दे रहे, वो हर बार फर्जी बिल रेज कर रहे हैं, हर बार अपने खातों में दिखा रहे हैं, जल बोर्ड का रेवेन्यू फंसा हुआ है। जल बोर्ड का अगर 20,000 जितने 90% लोगों के बिल माफ होंगे, जल बोर्ड को उतना पैसा दिल्ली सरकार से मिल जाएगा क्योंकि दिल्ली सरकार रीइंबर्स करती है सारी सब्सिडी, तो जल बोर्ड का रेवेन्यू आ जाएगा। जल बोर्ड का रेवेन्यू 1,000 करोड़ रुपए आज लॉक हो गया इसके अंदर। इतनी अच्छी स्कीम है ये, जैसा इन्होंने बताया 13 जून पिछले साल 2023 को इस स्कीम को पास किया गया था और इसे तो तुरंत लागू कर देना चाहिए था। 8 महीने हो गए, आज 8 महीने हो गए हमें इन अफसरों के और इनके वो करते करते, लेकिन इन्होंने करने से मना कर दिया। आज स्थिति ये है कि इस स्कीम को कैबिनेट में लाना है, कैबिनेट पास करेगी तब ये स्कीम लागू होगी। इसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी को इस पे अपने कमेंट्स देने हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता। सोचो किसी अफसर की हिम्मत है, उसने फाइल पे लिख दिया फाइनेंस सेक्रेटरी ने मैं कमेंट्स नहीं देता। मैं भिदूरी जी कह रहे थे मेरे से सीख लो, जरा सिखाओ अब उसका क्या करें हम, थोड़े मैं बाद में मिल लूंगा, चाय पे आना, चाय पे बता देना कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता। सौरभ भारद्वाज जी यूडी मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूडी सेक्रेटरी को लिखित आदेश दिया कि इसको प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाए। यूडी सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं इसको कैबिनेट में नहीं लाता जब तक फाइनेंस सेक्रेटरी कमेंट्स नहीं देगा। फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहा है मैं कमेंट्स नहीं दूंगा, यूडी सेक्रेटरी कह रहा है जब तक ये कमेंट्स नहीं देगा मैं। तो हमने इन दोनों को और भी अफसरों को बुलाया, इन मंत्रियों ने, इन्होंने मेरे को बताया मंत्रियों ने कि क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो अध्यक्ष महोदय आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक दो सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के फूट फूट के रोने लग गए, आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से। ये उम्र रोने की नहीं है, एक आईएएस अफसर को इस तरह से मैंने रोते हुए नहीं देखा, फूट फूट के रोने लग गए। बोले जी हमारी नौकरी का सवाल है, हमें धमकी दी जा रही है। हमने कहा कौन दे रहा है, कहता हायर अप्स। हायर अप्स का क्या मतलब है आप लोग सोच सकते हो, ऊंचे से हमको धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी दिल्ली वालों के लिए तो तुमको सस्पेंड कर देंगे, अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी। इसलिए इतना लड़ रहे हैं, सर्विसेज करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं ये सर्विस, नीयत खराब है इन लोगों की, सर्विसेज चाहिए सर्विसेज, इसीलिए उनको धमकी दी जा रही है तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारे को जेल भेज देंगे, ईडी सीबीआई छोड़ देंगे तुम्हारे पीछे। वो बोले जी आप हमें, सर आप कहो तो इस्तीफा दे देंगे हम नौकरी से, लेकिन ये स्कीम हम पास नहीं कर सकते। एक तरह से दिल्ली के अंदर एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है,
जिसके अंदर ऑफिसर्स ने लिख के दे दिया है कि हम काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे, ऑफिसर्स लिख के दे रहे हैं कि काम नहीं करेंगे, सरकार कैसे चलेगी? क्या सरकार दो दिन भी चल सकती है? क्या ये शोभा देता है केंद्र सरकार को, बीजेपी को ये शोभा देता है? इस स्थिति के अंदर उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लाके खड़ा कर दिया है। और इस सारी के पीछे कौन है? इस सब के पीछे बीजेपी है। बीजेपी दिल्ली वालों से नफरत करती है, नफरत करती है। दिल्ली वाले दुखी होते हैं, बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दिल्ली वाले दुखी हैं, दिल्ली वाले बीमार होते हैं, बीजेपी वाले आनंदित होते हैं। दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। जैसा परसों मैंने बताया था, किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए दिल्ली के अस्पतालों की दवाइयां बंद कर दी, किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए, पिछली बार मोहल्ला क्लिनिक के 3 महीने के लिए रेंट नहीं पे किए। मोहल्ला क्लिनिक कई किराए पे चल रहे हैं, उनके रेंट नहीं दिए, उनके बिजली के बिल नहीं दिए इन्होंने, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दी इन्होंने, एमटीएस कर्मचारियों को निकाल दिया इन लोगों ने, योगा क्लासेस दिल्ली के अंदर बंद कर दी इन्होंने। दिल्ली वालों से इतनी नफरत करते हैं ये लोग। और मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, जब तक आपका बेटा जिंदा है, इन बीजेपी वालों के सामने दीवार बन के खड़ा है, बाल बांका नहीं। और अब ये स्कीम का विरोध कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है, अभी अभी इन्होंने बिदोड़ी साहब ने कहा कि हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे। अगर आप स्कीम का विरोध नहीं करते बिदोड़ी जी, राजनीति एक तरफ है, आपसे मेरा निवेदन है, आप ही के एलजी हैं, आप ही की पार्टी के हैं, आप एक बार सारे जाके, आप सारा क्रेडिट आपका, मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा जोर जोर से कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी वालों को दे दे। मैं बोलूंगा कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी, वोट के लिए कर रहे हो और तो कोई कारण नहीं है, वोट आप ले लो सारे, हमें नहीं चाहिए वोट, हमें तो सेवा करने का मौका मिला है, यही भगवान ने, कोई पुराने जन्म में पुण्य किए होंगे हम लोगों ने जो हमें ये मौका दे दिया भगवान ने। ये सारी चीजें लेके मैं एलजी साहब के पास गया, मैंने एलजी साहब को बताया, मैंने कहा एलजी साहब ये धमकी दी जा रही है अफसरों को, उनको कहा जा रहा है कि अगर तुमने खबरदार अगर ये स्कीम पास कर दी तो तुमको बख्शेंगे नहीं। तो एलजी साहब ने कहा कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है उनको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, दिल्ली विधानसभा में अपनी बात रख रहे हैं, निशाने पर बीजेपी को ले रहे हैं। अब खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के अमेठी से है। दरअसल अमेठी में बड़ी पॉलिटिकल हलचल, आज के दिन आमना सामना राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का हो सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अमेठी पहुंचने वाली है और आज ही केंद्रीय मंत्री, अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी अमेठी पहुंच गई। अमेठी में आज जनसंवाद कर रही हैं। 2019 के चुनाव के बाद ये पहला मौका जब दोनों नेता एक ही दिन में अमेठी में होंगे। 2019 में गांधी परिवार को उसी के गढ़ में स्मृति ईरानी ने मात दी थी, राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव में हराया था और उसके बाद आज ये पहला मौका जब एक ही दिन अमेठी में स्मृति ईरानी भी, राहुल गांधी भी। और इस बीच कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, उनका बयान सामने आया है, अमेठी कांग्रेस के चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है, ये कहना है जयराम रमेश का। अमेठी में कौन चुनाव लड़ेगा ये पार्टी तय करेगी, लेकिन अमेठी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण जगह है। अमेठी में कौन लड़ेगा वो तो सीईसी तय करेगी, पर ये वैचारिक यात्रा है और एक तौर से कहा जा सकता है कि राहुल जी यहाँ 3 बार सांसद भी रहे हैं, 4 बार लड़े हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, ये उनका कर्म भूमि है, उनके पिताजी भी यहीं से लड़े थे अमेठी से, तो हमारे कांग्रेस के इतिहास के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। पहले तो पल्लवी पटेल भी आई थी अपना दल से, वो जुड़ी और हम उम्मीद करते हैं, वामपंथी पार्टी तो पहले से ही जुड़े हैं और कल हम उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव जी भी जुड़ेंगे। तो अमेठी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और स्मृति ईरानी भी आज अमेठी में। ऐसे में अब सवाल ये कि अमेठी की कहानी क्या 2024 में भी 2019 की तरह फिर से अमेठी में राहुल वर्सेस ईरानी, इसकी संभावना कितनी लगती है आपको विरोध जी? संभावनाएं तो राजनीति में हमेशा बनी रहती हैं और राजनीति में अगर राहुल गांधी लड़ते हैं अमेठी से तो जाहिर है स्मृति ईरानी वहाँ की निवर्तमान मतलब मौजूदा सांसद हैं तो उनके बीच ही मुकाबला होगा। लेकिन अब ये देखना है कि राहुल गांधी लड़ते हैं कि नहीं लड़ते। वायनाड तो लड़ेंगे, ये तो पक्का है, तय है, मान के चलिए। अमेठी लड़ते हैं या कोई उनका प्रतिनिधि लड़ता है या कोई और बड़ा कांग्रेस का नेता लड़ता है,
अब जैसा जयराम रमेश कह रहे हैं कि अमेठी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि सोनिया जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत अमेठी से ही चुनाव लड़के की थी, राजीव गांधी संजय गांधी के ज़माने से, आप सोचिए संजय गांधी वहाँ से जो है एक बार पहला चुनाव हारे दूसरा चुनाव जीते, तो अमेठी वाकई एक तरह से कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बिंदु रही है। और अमेठी खड़ा तो रायबरेली की भी में भी कौन लड़ेगा, क्योंकि बगल में सोनिया जी ने राज्यसभा ले ली है तो प्रियंका गांधी कहाँ से लड़ेंगी, तो ये सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि इन पर हम लोग अभी कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ जो सोनिया गांधी की जो चिट्ठी है जिससे रायबरेली के नाम उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का आप लोग ख्याल रखिएगा, तो इसका मतलब जरूर है कि शायद रायबरेली से कम गांधी परिवार है कोई ना कोई व्यक्ति जरूर लड़ेगा। ठीक है, अभय दुबे जी, देखिए अमेठी को लेकर और रायबरेली को भी लेकर मेरा मानना है कि कांग्रेस के रणनीतिकार दुविधा में हैं, वो अभी तक कुछ भी तय नहीं कर पाए हैं। हालांकि ये तो कांग्रेस की आम स्थिति है, वो किसी विषय के बारे में कुछ भी नहीं तय कर पाई है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों के बारे में जहां गांधी युग का गांधी परिवार का निजी संबंध है उनसे, वो कुछ भी नहीं तय कर पाए हैं। अगर कांग्रेस ने कहीं ये तय कर लिया कि प्रियंका गांधी सोनिया गांधी या राहुल गांधी में से कोई इन निर्वाचन क्षेत्रों से नहीं लड़ेगा, तो आप मान लीजिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के ऊपर से उत्तर प्रदेश से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है और वो एक बहुत बड़ी पराजित मानसिकता की तरफ इशारा करेगा। राहुल गांधी भले ही अमेठी से चुनाव हार जाएं, उनको वहां से, मेरा अपना मत है कि उनको वहां से लड़ना चाहिए। अभी विनोद जी ने कहा कि वो संजय गांधी एक चुनाव हारे और दूसरा जीते, आज ऐसी स्थिति नहीं है, राहुल गांधी एक चुनाव हार गए हैं, दूसरा जीत पाएंगे जीत पाएंगे किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, हारने का ही अंदेशा वहां से ज्यादा है। हम लोगों ने जो एक वीआईपी जो निर्वाचन क्षेत्रों का जो सर्वे किया था उसमें स्मृति ईरानी के जीतने की भविष्यवाणी की गई थी, तो कांग्रेस बुरी तरीके से फंसी हुई है, वो तय नहीं कर पा रही है। लेकिन इतना तय है जिस बात का जिक्र कुछ यहाँ पर अभय सर कर रहे हैं कि अगर आप नहीं चुनाव मैदान में उतरते हैं, गांधी परिवार अगर नहीं नजर आता है उत्तर प्रदेश में अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ता हुआ, तो फिर एक साइकोलॉजिकल सेटबैक होगा ये, और ऐसी ऐसी पॉलिटिकल मैसेजिंग कि आप तो लड़े ही नहीं, हथियार डाल दिया आपने। मुझे लगता है कि ये नौबत ही क्यों आने दे रही है कांग्रेस। कांग्रेस को ये तो पहले से सोच लेना चाहिए कि अमेठी हम लड़ेंगे, कांग्रेस हम लड़ेंगे, एक आध सीटें और लड़ेंगे, और उस पर साफ डिक्लेयर करके कहते कि हाँ हम ये लड़ने जा रहे हैं। आप अभी तक आखिरी वक्त तक ये नहीं तय कर पा रहे हैं। सोनिया गांधी को राज्यसभा के आखिरी दिन ये तय करना पड़ा कि साहब हम जो हैं वहाँ ये लोकसभा छोड़ना है, अब आप ध्यान रखिएगा। पब्लिक क्यों ध्यान रखेगी, किस लिए ध्यान रखेगी? अब वो उसको ज़मीन का आदमी चाहिए, ज़मीन के नेता चाहिए, और इसीलिए अमेठी में अगर राहुल गांधी लड़ते हैं और हारते हैं तो बड़ा सेटबैक होगा उनको, लेकिन उनको ये सब कुछ पहले से तय करना पड़ेगा, तैयारी उनकी लड़ाई की। नहीं लड़ते हैं हारते हैं तो बड़ा सेटबैक होगा, या लड़ते ही नहीं है तो बड़ा सेटबैक होगा? मुझे तो लगता है कि लड़ते हैं और हारते हैं तो बड़ा सेटबैक होगा, और अगर क्योंकि इनको या तो फिर ये कि एक बड़ी लड़ाई के लिए 20-25 सीटों पे लड़ करके अपना झंडा फहराएं तब वो बात हो, एक माहौल बने, अगर अदरवाइज तो उन्होंने अपनी कांग्रेस ने अपनी जमीन को दे दिया है कि भैया हमारे बस का कुछ रोग नहीं है, तुम ही जो है उसको मतलब खेती करो, तुम ही अपना काटो। राकेश शुक्ला जी, डिफेंसिव लग रही है यहाँ पर कांग्रेस की जो पूरी रणनीति नजर आ रही है। देखिए कुल मिला के आप देखिए, और रायबरेली के यदि हम बात करें तो पिछले 5 साल में राहुल गांधी ये चौथी बार गए हुए हैं, तो इसका मतलब तो ये साफ है कि उनका अमेठी में लेकर कोई दिलचस्पी नहीं बची। फिर जयराम रमेश जी जो कह रहे हैं उसके हिसाब से जिस सीटों पर गांधी परिवार तय करता था उस सीट पे अब पार्टी तय करेगी कि वहां से उम्मीदवार कौन लड़ेगा, तो ये भी क्लियर हो गया कि गांधी परिवार अब अमेठी नहीं लड़ रहा है। फिर रायबरेली की यदि हम बात करें तो आप देखिए 2004 में 81% वोट मिले थे सोनिया गांधी जी को, फिर 2009, 2014, 2019 में उनका वोटा परसेंटेज 55% आ गया। तो आप सोचिए कि जो एक तरफा वोट लेके कांग्रेस चल रही थी रायबरेली में, वहां आधे पे आ गई है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जोखिम लग रहा था, इसलिए सोनिया जी को राज्यसभा भेजा गया, और वायनाड सीट नहीं छोड़ी जा रही क्योंकि राहुल गांधी को लेके भी अमेठी में जोखिम लग रहा है, तो कांग्रेस इसी वजह से बच के चल रही अमेठी और रायबरेली। ये बात आपने बड़ी कही कि वायनाड सीट नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन अमेठी को लेकर पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं, रायबरेली को लेकर भी यही हाल है, गांधी परिवार जो है वो सामने खुलकर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं डिफेंसिव खेल रहा है गांधी परिवार। देखिए हम सब ये मान के चल रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और चुनाव हार जाएंगे, मतलब हम लोगों ने मान ही लिया। अरे भाई चुनाव चुनाव होता है, जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, दोनों स्थितियां हो सकती हैं, तो हम ये क्यों माने कि चुनाव हार ही जाएंगे? नहीं नहीं अभी तो यही क्लियर नहीं है कि राहुल गांधी लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, वो क्लियर नहीं है। मतलब वो तो दावा ही छोड़ती भी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी और गांधी। ये बताइए मोदी जी बनारस से लड़ने आए थे तो क्या 6 महीने पहले क्लियर हो गया था?
आखिर तक नहीं तय था कहां से लड़ेंगे, कानपुर से लड़ेंगे, बनारस से लड़ेंगे, और बिल्कुल आखिर में तय हुआ। सर नरेंद्र मोदी और वाराणसी को लेकर सिचुएशन अलग थी, और यहां गांधी परिवार और अमेठी और रायबरेली को लेकर अलग है ना समीकरण। अलग क्या है, उनको तय करना है सारी चीजें। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी से छोड़ दिया उन्होंने, नहीं छोड़ा। अरे भाई कोई भी पार्टी जब वो कैंडिडेट डिसाइड करेंगे उस वक्त तय करेंगे। और मैं तो बार बार कह रहा हूं, मैं तो उस आखिरी लाइन जो सोनिया गांधी की है रायबरेली के लोगों से, कि उन्होंने ये नहीं कहा आप मेरी पार्टी का ख्याल रखेगा, आप मेरे परिवार का ख्याल रखेगा। इसका मतलब परिवार का कोई व्यक्ति लड़ेगा रायबरेली से, कि सीधा संकेत है। अब संकेत तो हम ना समझे तो अलग बात है, तो हमने तो मान ही लिया है कि वो नहीं लड़ेंगे या भाग जाएंगे छोड़ करके। भाई देखिए सोनिया गांधी परिवार के अलावा कोई अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतना तो छोड़िए, वो मुकाबला नहीं कर सकता है। जो स्थितियां हैं, अगर कोई लड़ने की स्थिति में होगा तो परिवार का ही व्यक्ति लड़ने की स्थिति में। अमेठी और रायबरेली में अभी तक का आप रिकॉर्ड देखिए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हमेशा से कांग्रेस के लिए ये दोनों सीटें छोड़ चलती थी। नहीं नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने खड़े किए हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ती है। रोमाना जी आज अब राजनीति ऐसी नहीं बची है कि वंश और विरासत के नाम पे वोट मिले, और मुझे लगता है वंश और विरासत की जो पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है उसकी वजह से ही कांग्रेस को लग रहा है कि ये दोनों सीटें हमारे लिए अब अनुकूल नहीं रही। एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी को लेकर बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग पर अपना प्रस्ताव कांग्रेस को सौंप दिया है। अब समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के जवाब का इंतजार है। तो एक बार फिर से अपर हैंड तो समाजवादी पार्टी का यहां पर नजर आ रहा है। वो प्रस्ताव जो है एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से ही कांग्रेस को भेजा गया है। मतलब अब कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग गठबंधन होगा या नहीं, ये फैसला कांग्रेस को लेना होगा। गेंद एक बार फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पाले में डालती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हाल के दिनों में इस्तीफे की खबर आई थी उनका समाजवादी पार्टी पे जिन पदों पर वो थे। अखिलेश यादव ने इसी को लेकर बड़ा बयान दिया है, लाभ लेने के लिए हर कोई आ जाता है लेकिन मौके पर कौन टिकता है ये देखना होगा। इस बीच आपको ये भी बता दें एबीपी न्यूज से खास बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। वो दावा कर रहे हैं जिस पार्टी में शामिल होते हैं जो भी बोलते हैं उसे पार्टी का बयान मान लिया जाता है, जबकि वो उनका निजी बयान होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग हैसियत रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह तय किया है कि वो किसी दूसरी पार्टी की पिच पर बल्लेबाजी नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करने जा रहे हैं, क्या फैसला लिया है, बताने के लिए खुद मेरे साथ मौजूद हैं। नई पार्टी का ऐलान अभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श चल रहा है। हमने 22 फरवरी को कार्यकर्ताओं को दिल्ली में बुलाया भी है, उनसे विचार विमर्श करके जो भी आवश्यक होगा वो कदम उठाया जाएगा। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से आपके नए दल का नाम, नया झंडा भी काफ़ी चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। कई लोग पुष्ट सूत्र भी जो है पुष्टि कर रहे हैं कि अब स्वामी प्रसाद जी अपने दल के उसमें राजनीति करेंगे। देखिए निर्णय जो भी होगा 22 को होगा, कार्यकर्ताओं के से रायशुमारी के बाद होगा, कार्यकर्ताओं की चाहत की प्राथमिकता होगी, इसलिए अभी उस पर अंतिम रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। कई अन्य दल भी हैं जो पिछड़ों की, वंचितों की, दलितों की बात करते हैं, उसी बीच में जो आपका ये दल होगा ये किस प्रकार से अलग होगा, कैसे भरोसा करेंगे? अब इसको 22 का इंतजार करना पड़ेगा। सलीम शेरवानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और ये कहा कि पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं लेकिन धरातल पर पीडीए नहीं दिखता है, ना ही कोई जो राज्यसभा के 3 टिकट उन्होंने दिए उसमें कोई इस तरह की बात सामने देखने को मिली। अब देखिए मेरे पत्र में जिस चीज़ का जिक्र है फिलहाल मैं उसी पर अभी स्टैंड लिया हूँ, और भी घटनाक्रम गाहे बिगाहे जो भी आगे पीछे हुए हैं उस पर और भी पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो है जिसके नाते एक के बाद एक इस्तीफे आ रहे हैं। अब इसको तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोचना चाहिए कि पार्टी चलाना चाहते हैं और चलाना भी चाहते हैं तो किस रूप में चलाना चाहते हैं, तो उनको करना है। अब कार्यकर्ताओं पर मैं छोड़ दिया हूँ, कार्यकर्ताओं का निर्णय मेरा निर्णय होगा। आपकी नाराजगी दूर होगी या हम मान लें कि नहीं अब जो है आखिरी पारी थी आप? अब ये 22 फरवरी को तय हो जाएगा।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। अटकलें सियासी तौर पर यही लगाई जा रही हैं कि अब अपनी अलग पार्टी बनाने की तैयारी में है स्वामी प्रसाद मौर्य। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां संदेश खाली को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, पीड़ितों से मुलाकात की है उन्होंने, उनसे बातचीत की है, जानकारी ली है, दावा किया कि बंगाल में महिलाएं बहुत डरी हुई हैं, ये दावा किया जा रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की तरफ से। पुलिस से भी मैं बात करूंगी, क्योंकि जब तक कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता ये लोग डरे रहे, तो माइक लगा दो, और अगर पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो मुझे लगता है बहुत सारी महिलाएं आगे आएंगी और बात करेंगी। उनको विश्वास करना पड़ेगा, एक बार तो विश्वास करके आगे आए, और हम लोग उनके साथ है। राष्ट्र महिला आयोग है किस लिए? महिलाओं के साथ है। अब एक महिला तो आई और वो भी कोर्ट में गई है, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती है, इसीलिए कोर्ट में जा रही है महिलाएं, ताकि कोर्ट में कुछ तो करेगी, पुलिस कुछ नहीं करती है। और जब महिलाएं आगे जाती है तो उन्हीं के जो रिश्तेदार है उन्हीं को अरेस्ट कर लेती है पुलिस, और ये पहली बार नहीं है। मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, हर इलेक्शन के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपने देखे, हर इलेक्शन के बाद किस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जाता है, ऑपोजिशन पार्टीज की महिलाओं को, और हर बार यही होता है कि पुलिस कुछ नहीं करती, हाथ पे हाथ, कोई मर्डर हो, कोई रेप हो, पुलिस कुछ नहीं करती, उल्टा उन्हीं के ऊपर चार्जेस लगाकर। और ये यहाँ की बात नहीं है, ये संदेश खली की बात नहीं है, पूरे वेस्ट बंगाल में यही हाल है। और इस बीच बीजेपी ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी ने आरोप लगाया पश्चिम बंगाल में मुगलों जैसा शासन और पुलिस टीएमसी आपस में मिले हुए हैं, और पश्चिम बंगाल भारतवर्ष में ही आते हैं, लेकिन आज वही पश्चिम बंगाल से जब महिला का आवाज उठ रहा है, ये हमारे पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। अभी संदेश खाली का सिचुएशन आप समझ नहीं पा रहे कि हम लोग कहां पे, हम लोग सुने हैं कि आईसीएस का सुना है, हम लोग इराक का बात सुना है, हम लोग पाकिस्तान का बात सुना है कि महिला के ऊपर कैसा अत्याचार चलते हैं, आज वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना कि एक भी एफआईआर नहीं है, इसलिए नहीं है कि एफआईआर करने के लिए जो पुलिस होता है वो भी शेख शाहजहां के साथ एकदम मिले जुले है, पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तृणमूल का पार्टी ऑफिस हो गया है, पुलिस के सामने ये सब होते थे। हम लोग नहीं चाहते कि ये ऐसा एक संदेश खाली पश्चिम बंगाल में दूसरा तीसरा ना हो जाए, घर घर में संदेश खाली नहीं बन जाए। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि शेख शाहजहां को फांसी देना चाहिए, एनआईए इंक्वायरी होना चाहिए, और मृत्युदंड इसके ऊपर, इसके नीचे और कुछ नहीं हो सकता है। इस मुद्दे पर जरा चर्चा करते हैं जी, आपको लगता है कि चुनाव में ये संदेश खाली का मुद्दा टीएमसी को भारी पड़ेगा? देखिए, ये सीधे सीधे लॉकेट चटर्जी का बयान में सुन रहा था, वो मुगल शासन तुलना करने की क्या बात है, यानी आप पोलराइज करना चाहती हैं। वो जो अपराधी हैं या अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ, उसमें शेख शाहजहां भी है और एक वो हाजरा भी है, और दो तो उसमें गैर मुस्लिम हैं जी, जो दो गिरफ्तार हुए हैं, और तीसरे शेख शाहजहां हैं, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, ये बात तो ठीक है। लेकिन बार बार शेख शाहजहां पर जोर देना, मुगल, पाकिस्तान, ईरान, यानी कहीं ना कहीं आप उसको हिंदू मुस्लिम का कलर देना चाह रही हैं। तो ये जो राजनीति है, एक महिलाओं की अस्मिता के मुद्दे को आप वहीं तक रखिए, उसमें मुगल शासन, मुगल शासन का उदाहरण बता दूं, बनारस के एक ब्राह्मण की औरत को एक मुगल स्पेशल उठा ले गया, औरंगजेब को जो खबर मिली तो उसने न सिर्फ उस महिला को छुड़वाया बल्कि उसको फांसी की मौत की सजा दी उस अपने सिपहसालार को, और उसको पैसे दिए, ठीक है, दिलवाए। तो मुगल शासन हर चीज में बता देना, ठीक है। लेकिन फिलहाल राकेश शुक्ला जी, ये जो मुद्दा है संदेश खाली का, मतलब ये पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण की जमीन फिर तैयार कर रहा है क्या? देखिए, संदेश खाली को इसलिए जीवित रखा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पे आप देखिए, पिछले चुनावों में सीपीएम से ये सीट छीनी गई थी बसीरहाट की,
फिर संदेश खाली जो सीट है विधानसभा सीट वहां पे सीपीएम से छीन के तृणमूल है। भारतीय जनता पार्टी जो वहां बिल्कुल नहीं थी आज वो 45% वोट के साथ संदेश खाली पे खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी ममता को लग रहा है कि इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी इस 45% और 40% का चंक लेके पूरे बंगाल में अपना फैलाव कर सकती है। इसीलिए संदेश खाली का मुद्दा जो है वो चुनावी साल में इतना गर्माता हुआ नजर आ रहा है।